तो हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आज मेरे पास तुम लोगों के लिए काफी सारे मेजर अपडेट्स हैं जिन्हें देखने के बाद तुम काफी ज्यादा खुश भी होने वाले हो। और हर बार की तरह मैं इस बार भी किसी भी फालतू एनिमी के कवर नहीं करने वाला हूं, तो आप सभी लोग शुरू से लेकर वीडियो के एंड तक बने रहना। सबसे पहले बात करते हैं उन एनिमीज के बारे में जो क्रंची रोल पे हिंदी डब में स्ट्रीम हो रहे हैं, जिनमें से सबसे पहले आता है फायर फोर्स का सीजन 2 जो आपको हिंदी में क्रंची रोल के ऊपर देखने के लिए मिल जाएगा। एंड अब बात करते हैं दूसरे एनिमी के बारे में जिसका नाम रहने वाला आई एम ए लव बैलिनेंस। एंड ये एनिमी भी हिंदी डब के साथ में क्रंची रोल पे स्ट्रीम हो रहा है, अगर आप देखने में इंटरेस्टेड हो तो आराम से आप जाकर के इसे देख सकते हो। एंड अगर हम वहीं पर बात करें डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऊपर तो वहाँ पर एक एनिमी आने वाला है जिसका नाम रहने वाला है अलोका, और ये एनिमी भी आपको हिंदी डब के साथ में देखने के लिए मिलेगा। एंड अब बात करते हैं उन एनिमीज के बारे में जो इसी मंथ में आपको देखने के लिए मिलेंगे नेटफ्लिक्स के ऊपर, जिसमें से जो सबसे पहला एनिमी रहने वाला उसका नाम प्लूटो जो आपको देखने के लिए मिलेगा 26 अक्टूबर को, और वहीं पर जो दूसरा एनिमी निकल के आता है उसका नाम रहने वाला है कैप्टन लेसर हॉक, और इस एनिमी का आपको हिंदी डब भी देखने के लिए मिलेगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। और ये एनिमी आप सभी लोगों को देखने के लिए मिलेगा 19 अक्टूबर को। एंड आप इस एनिमी के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड हो वो कमेंट में जरूर बता देना। और जो नेक्स्ट एनिमी अपडेट निकल के आता है वो निकल के आता है अटैक ऑन टाइटन को लेकर के, और इसका जो न्यू मांगा है वो निकल के आ चुका है जो टोटल 18 पेजेस का रहने वाला है। एंड अगर आप लोग अटैक ऑन टाइटन का मांगा पढ़ने में इंटरेस्टेड हो तो आपको काफी सारी ऐसी भी साइट देखने के लिए मिल जाएंगी जहाँ पर आपको मांगा बिल्कुल फ्री में देखने के लिए मिलते हैं, और भी काफी सारे मांगास हैं जो हाल फिलहाल के अंदर आए हैं उन्हें भी अगर आप पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो। एंड अब बात करते हैं टोक्यो रिवेंजर्स के बारे में, तो फाइनली टोक्यो रिवेंजर्स का सीजन 3 निकल के आ चुका है जिसमें आपको टोटल 13 एपिसोड देखने के लिए मिलेंगे, और इस एनिमी की सीजन 1 और सीजन 2 को मैंने कुछ ही महीनों पहले कंप्लीट किया है, तो पर्सनली मुझे तो ये एनिमी काफी ज्यादा पसंद आया। और अभी के टाइम में जो सीजन 3 के 13 एपिसोड आए हैं मैं उसको अपने सेकंड चैनल पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ, क्योंकि टोक्यो रिवेंजर्स का अभी तक कोई भी हिंदी डब नहीं हुआ है। तो अगर आप लोग टोक्यो रिवेंजर्स का सीजन 3 देखने में इंटरेस्टेड हो तो मेरे इस वाले चैनल को जाकर के सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड अब बात करते हैं हम लोग वन पीस के बारे में, जो वन पीस एनिमी है वो क्रंची रोल के ऊपर तो आ चुका है, वो लोग इस एनिमी को एकदम शुरू से नहीं लाए हैं, वो लाए 800 एपिसोड के आगे से। भाई मेरे तो ये नहीं समझ में आ रहा ये इन एपिसोड को भी क्यों लेकर गया है, अगर इनको लाना ही था तो एकदम शुरू से ही लेकर के आते। बट कोई ना, अभी हमारा सोनिया चैनल जिंदा है, और बताया जा रहा है कि सोनिया चैनल पे आपको नवंबर मंथ से वन पीस देखने के लिए मिलेगा हिंदी में। इससे तो यार कोई भी अच्छी बात हो ही नहीं सकती, क्योंकि वैसे भी सोनिया की डबिंग काफी ज्यादा अच्छी होती है, और वो सारी चीजें तो हम नरूटो में देख ही चुके हैं। और अगले मंथ जैसे ही वन पीस आएगा तो वो आप लोगों को मैं प्रोवाइड कर दूंगा कि आप कहां से इस एनिमी को देख सकते हो या फिर डाउनलोड कर सकते हो, तो इसलिए आप लोग अभी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो आज के लिए तो बस इतना ही, मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लव यू ऑल।